की बड़ी खबर आ रही है बरेली से। बरेली में निर्माणाधीन टैंक की दीवार गिरने से दो बच्चों की हुई मौत। खेलते समय बच्चों के ऊपर गिरी टैंक की निर्माणाधीन दीवार। 12 वर्ष के आशीष और 10 वर्ष के वरुण की हुई मौत। बच्चों के परिवार में मचा कोहराम। बच्चों के शवों को पुलिस ने जिला अस्पताल मौचरी भेजा। परिवार के लोगों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना बिथरी जैनपुर क्षेत्र के रजऊ की है घटना। सरकारी अस्पताल, हमारा नाम राजू है। ठीक, ये कैसे बच्चों की मौत हुई, कौन है आपके बच्चे? बच्चे हमारे चाचा को लड़का है, सब ये हमारे खुद को बालक हो, सब लौड़ा हो हमारे। और आया क्या, और आया क्या उधर? ये हम तो काम मजदूरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें पड़ोस वाले ने बताया कि तुम्हारे बालक दब गए हैं। तो हमने जा सोची होगी छोटी मोटी चोट लगी होगी। हम भाज पर एक संग हमें का पता ही हुआ। तीन दे रही है चौकी मौत हुई है उसमें। अभी शाम को थाना बिथरी जैनपुर के अंतर्गत तीन बच्चे वहाँ पर सेफ्टी टैंक के किनारे खेल रहे थे। ये गांव पड़ता है रजो प्रसापुर, उसी में जो सेफ्टी टैंक की जो दीवार है वो ढह गई, उसमें गिर गई और उसमें जो तीनों बच्चे हैं उसकी चपेट में आकर उसमें दब गए। इसमें से तीनों ही बच्चों को मौके पर अस्पताल के लिए भेजा गया इलाज के लिए, जिसमें कि दो बच्चों की इसमें मृत्यु होना पाया गया है। कि तीनों ही बच्चे इसमें जो वहाँ पर खेल रहे थे, एक वीरेश नाम का है और एक वरुण नाम का है और एक उसमें आशीष नाम का है। ये तीनों ही बच्चे रजो प्रसापुर गाँव के हैं और इसमें से दो बच्चों की मृत्यु हुई और एक बच्चे वहाँ पर घायल है, इसका इलाज चल रहा है। कोई कार्रवाई की जा रही है, इसमें जांच करी जा रही है और जो भी इसमें लापरवाही या जो भी चीज़ें पाई जाएंगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।